आज का हमारा वीडियो है जुपिटर 125, टीवीएस जुपिटर 125। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। ये गाड़ी हमको कस्टमर ने एक हफ्ता पहले फ़ोन किया था, ये नया वाला वर्जन है। तो चलिए हम चाबी ऑन करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। चाबी ऑन किया, डिस्प्ले लाइट सब आ रहा है, देखते हैं। सिग्नल भी चालू है, सिग्नल लेफ्ट राइट के दोनों चालू है, हॉर्न भी चालू है। ये जो फ्यूल इंजेक्शन का लोगो दिखा रहा है, इसका इशू कुछ लग रहा है। तो चलिए हम पहले बोनट पीछे वाला लेते हैं और चेक करते हैं क्योंकि क्यों गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए हम सेल्फ मार के आपको दिखाते हैं। चलिए हम सेल्फ मारते पहले, देखिए गाड़ी ऐसा स्टार्ट हो रहा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम पहले बोनट निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या इशू आया। चलिए फटाफट खोलते हैं अभी। तो चलिए अभी बोनट को बाहर लेते हैं और बॉडी को बाहर लेते हैं, निकालते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, चलिए हम ये सॉकेट लाने चलते हैं क्योंकि ये सॉकेट की वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इतना सा ही इशू है, बाकी देखिए बाकी सब सिस्टम चालू है। सिर्फ फ्यूल इंजेक्शन का जो सिस्टम है वही, उसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं लाने के लिए। तो हमें जैसा देखिए सॉकेट मिला है, ये देखिए। तो चलिए हम इसको जॉइंट करते हैं फिर गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको सॉकेट के ऊपर लगा दिया, अभी हम चलते हैं चाबी ऑन करते हैं और गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। तो चलिए हम चाबी ऑन किए, अभी हम सेल्फ मारते हैं। हमारा हो गया गाड़ी स्टार्ट। कैसा रहा वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना और लाइक करना जरूर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए हम फिटिंग भी कर देते हैं अभी सारा।